zindagi dopalki zindagi only dopalki in the beautiful song we respect this song and zindagi with god and zindagi with my happy universe forever so i heartily love to say love to repeat thank you thank you thank you god for this zindagi and thank you for my lovely happiness family who is watching us right now thank you for your all kind of blessings and prayers that you always shower on my happiness with god's grace with your love my happiness is keep growing thank you very much everyone who has just subscribed dear and mine happiness with my happiness so friends i once again love to repeat my introduction with you all i am shalini i am a teacher always here to make you very special very blessful in your own channel of blessings grace and happiness so friends you be tuned with my happy universe and if you know our channel and you want to become a member of happy universe family so please no further delay to subscribe just click on the subscribe button of all the notifications so that you get to all the upcoming videos of my happy universe be tuned and just love your channel and just like the video and share with your loved ones let's start the video you know very well i love to say thank you thank you and million time i love to repeat it for you and for god so next friends we have discussed in the friday special today we have on a leukocytes topic. So let's start the leukocytes and what are the types of leukocytes and what is the structure of the leukocyte type cells and what is the exact function that I just discussed with you in a yesterday video. It helped in the defense mechanism and it boosts of the immunity and how it boosts of the immunity by just fighting with the antigen antibody reaction, how it taken place in the body and how it fight with the antigen tissue and tissue cells. So let's start and its structure is there. See granulocytes. Many बताया कि ये दो तरह के होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स मतलब कि जिनको हम कहते हैं कणांकूर हिंदी में भी बताना बनता है भाई आपको ऐसा ना लगे कि हम इंग्लिश में ही बात करते हैं क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने पढ़ा कि एक व्यूअर ने कहा कि मैम आप हमें समझ नहीं आता आप इंग्लिश में ही बोलते हो भाई देखिए फ्रेंड्स हमारा अपना हर एक इंसान का अपना, अपना अपना एक तरीका होता है बे रिस्पेक्ट हिंदी ये हमारी राष्ट्रभाषा है और हम हिंदी की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन हम सबकी अपनी अपनी हॉबीज होती हैं हम सब की अपनी अपनी चॉइसिस होती हैं भाई पढ़े लिखे होने के कारण हमें भी समझ आनी चाहिए हमें हिंदी भी आनी चाहिए और हमें इंग्लिश भी आनी चाहिए तो हम अपने मेन टॉपिक को हमेशा ही हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं आने वाले टाइम में देखेंगे हिंदी में भी या इंग्लिश में भी और एक अच्छा चैनल बनाएंगे लेकिन हम मिक्स में ही अपने चैनल को रखते हैं ताकि हमारे हर व्यूअर जो है वो अच्छे से हमारी बात को समझ पाएँ हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अपनी इंट्रोडक्शन को कुछ इंग्लिश में रखते हैं वो कहीं ना कहीं इंग्लिश हमें पसंद है और अपनी अपनी चॉइस है तो वी कैन रिस्पेक्ट एवरी चॉइस लेकिन हाँ हम अपनी मदर लैंग्वेज की भी और अपनी राष्ट्रभाषा की हिंदी की भी पहाड़ी की भी और अंग्रेजी की भी पंजाबी की भी हर चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं तो चलो मैं आपसे स्टार्ट कर देती हूँ भाई कड़ांकुर कहते हैं इसको और इसका जो नॉर्मल काउंट है वो ज़रूर बताऊंगी लेकिन फ्रेंड्स मैं फिर से क्लियर कर दूं कि हमारे जो डब्ल्यू है इनकी जो यूनिट होते हैं ये हमें याद रखनी ज़रूर क्योंकि कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज होते हैं लिखते टाइम यूनिट्स में हम रेशो तो याद कर लेते हैं रीडिंग तो याद कर लेते हैं लेकिन माइक्रो लीटर माइक्रो पर लीटर मतलब ठीक है इसकी जो माइक्रो जो इसका एक साइन होता है जिसको यू टाइप होता है थोड़ा खिंचकर और साथ में लीटर क्या पर माइक्रो लीटर जो है इसकी यूनिट होती है और मैं आपको बता दूँ अगर न्यूट्रोफिल्स की बात की जाए तो फ्रेंड न्यूट्रोफिल्स का जो नॉर्मल अडल्ट में मतलब अठारह से थर्टी फाइव ईयर्स के एज के लोगों में ये जो अमाउंट होता, होता है ये टू पॉइंट फाइव टू सेवन पॉइंट फाइव पर माइक्रो लीटर जो है इसकी यूनिट है ठीक है आप बुक्स कौन कौन से रेफर कर सकते हैं आप के पी निर्जा की बुक यूज कर सकते हैं आप इसके लिए रोजन विल्सन की बुक यूज कर सकते हैं इसके लिए एम बी बी एस स्टूडेंट इस बुक को एम बी बी एस के स्टूडेंट्स हैं और मेडिकल स्ट्रीम्स के जो लोग हैं वो भी इसको यूज करते हैं एमएससी जो अगर एनॉटमी में करें वो भी इस चीज़ इस बुक को यूज करते हैं इस बुक में कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी लेकिन हम कोशिश करते हम सिंपल वे में आपको अपना मैसेज दे सकें ठीक है और बाकी आप बहुत सा कंटेंट लेना चाहते हैं तो गूगल में तो ऑल टाइम हमें बहुत कुछ मिल ही जाता है ठीक है नेक्स्ट आ गया हमारा एजीनोफिल्स एजीनोफिल्स की वैल्यू होती है जीरो पॉइंट जीरो फोर टू जीरो पॉइंट फोर फोर पर माइक्रोलीटर ठीक है आप देखिए यहाँ से नेक्स्ट इज अ बेजोफिल्स जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव टू जीरो जीरो पॉइंट वन पर माइक्रो लीटर ये इसकी यूनिट्स हैं जो कि हमने कल पढ़ा कि इनके तीन टाइप के सेल्स हैं आगे आपको बता दूँ एक ग्रेनोलोसाइड्स की यहाँ पर मैंने इनकी भी वैल्यू लिखी है ये मैं आपको कल भी बता दूंगी आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इनकी वैल्यू जीरो पॉइंट टू टू जीरो पॉइंट एट पर माइक्रो लीटर नेक्स्ट इसके अंदर आगे है लिफोसाइड जिनकी वैल्यू है 1.5 टू 3.5 माइक्रो मिलीलीटर ठीक है सॉरी माइक्रोलीटर सॉरी ठीक है अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव बताऊंगी कि ग्रैनुलोसाइट्स में क्या जो होते हैं मेन प्रोसेस क्या होता है ठीक है क्योंकि ये स्टूडेंट्स को समझना बहुत ज्यादा बुक के अकॉर्डिंग जो है वो कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है फ्रेंड्स ग्रैनुलोसाइट को कड़ांकुर कहते हैं और इसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ग्रेनुलो पॉइसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स मतलब ग्रैनुलोसाइट्स का बनना देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ द मतलब का बनना कड़ांकुरों की बनावट होना या बनना ठीक है नेक्स्ट आगे इसमें इसमें एक और प्रोसेस होता है जिसमें होता है माइलो और माइलोसाइट ठीक है ये दो सेल्स होते हैं इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जो माइलो है वो क्या होते हैं इम मेच्योर डब्ल्यू बी मतलब जो अभी पूरी तरह से जो है वो मेच्योर नहीं हुए बने नहीं हुए थे पूरी तरह से कम्प्लीटली कंप्लीट complete नहीं हुए होते हैं। तो जिसको हम कहते हैं माइलोब्लास्ट से माइलोसाइट बनते हैं ठीक है इसके अंदर मैंने फर्स्ट प्रोसेस आपको बताया ग्रैनुलोसाइट में हमारा फर्स्ट प्रोसेस होगा ग्रैनुलो पॉइसिस पॉइसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का बनना पॉइसिस वर्ड जहाँ भी आ जाएगा जैसे मैंने आपको बताया लिम्फोसाइटोसिस या ल्यूकोसाइटोसिस मतलब सिस वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं होता है फॉर्मेशन किसी चीज़ का बनना ठीक है तो नेक्स्ट इसमें आ जाएगा हमारा अगला प्रोसेस जो कि मैंने यहाँ लिखा है सेल माइलोब्लास्ट में क्या होगा इट इज़ अ ये क्या है इमिच्योर ब्लड सेल फाउंड इन द बोन मैरो मतलब कि ये एक इस तरह के इमिच्योर ब्लड सेल्स हैं वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कहां बनते हैं हमारे बोन मैरो में जो कि मैंने आपको कल कल्यूकी में बी सेल्स और टी सेल्स के बारे में बताऊँ मैं आपको फिर डिटेल में बताऊंगी ठीक है इट गिव इट गिव राइज टू डब्ल्यू बी सी ऑफ द ग्रैनुलोसाइट सीरीज मतलब कि ये आगे हमारे इसी सीरीज में ग्रेनुलो पॉइसिस में ही आगे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं ठीक है तो हमें क्लियर हो गया कि माइलोब्लास एक तरह का इमिच्योर डब्ल्यूबीसी सेल्स है जो कि हमारे ग्रेनुलो पॉइसिस प्रोसेस में हेल्प करते हैं और वो ग्रैनुलो जो माइलो है वो माइलोग्लास्ट से माइलो साइट बनाते हैं ठीक है फिर से बता दूंगी तो माइलोसाइट क्या है इट इज़ अ लार्ज सेल फाउंड इन द बोन मैरो तो ये माइलोब्लास्ट क्या है सॉरी माइलोसाइट क्या है ये एक लार्ज तरह का सेल है जो कहाँ पे बनता है ये भी बनता है हमारे बोन मैरो में लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है जो मैं आपको क्लियर कर दूँ माइलोब्लास्ट क्या है इमिच्योर है माइलोब्लास्ट ब्लास्ट इमिच्योर है और जो माइलोसाइट है माइलोब्लास्ट ब्लास्ट इमिच्योरिटी स्टेज से माइलोसाइट बनता बन जाता है जैसे एग्जाम्पल दूँ आपको जब हम छोटे थे हम चाइल्डहुड एज में थे थोड़े धीरे धीरे हम अडल्ट बने मतलब पहले हम एक साल के हुए एक साल के बाद दो साल के हुए तो वैसे ही माइलो का प्रोसेस है पहले वो माइलो ब्लास्ट और जैसे जैसे ही वो हुई जैसे जैसे ग्रेन की फॉर्मेशन होती गई तो वो बन गया आई होप यू अंडरस्टैंड द ऑफ दिस इन दिसी वे मैंने आपको बहुत वे में बताने की और समझाने की कोशिश की है और यहां पर मैंने बनाए हैं कुछ स्ट्रक्चर्स जो कि मैंने आपको बताया बेजोसिल्स अब आप देख सकते हैं ये है ग्रैनुलोसाइट्स के तीनों सेल्स जिनके अंदर आप देखिए बहुत ज्यादा न्यूक्लियस है कोई बड़ा न्यूक्लियस है और आप देखिए मैंने कहा था न्यूक्लियस पोलीमोर्फोन्यूक्लियस न्यूक्लियस मतलब इसमें एक से ज्यादा जो है वो न्यूक्लियस होते हैं तो अब देखिए यहां पर दो हैं और एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट फ्रेंड्स ये है बेजोफिल इसके अंदर भी छोटे छोटे से जो स्ट्रक्चर्स हैं न्यूक्लियस के लेकिन यहां पर एक बिग न्यूक्लियस है जिसको हम कह रहे हैं बेजोफिल नेक्स्ट आगे इसके अंदर आ गया हमारे तीन न्यूक्लियस हैं जो कि माइक्रोकॉन्ड्रे की शेप होती है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इनको हम कह रहे हैं न्यूट्रोफिल्स और यहां पर दो बड़े न्यूक्लियस जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं जिनको हम कह देते हैं एजीनोफिल्स तो अब मैं आपको बताऊंगी कल कि इनके फंक्शन क्या है और न्यूट्रोपिनिया क्या होता है हैफिलिया क्या होता है हर चीज के बारे में बात कर करेंगे। आज के लिए इतना ही अपना ख्याल रखिए और शाम की वीडियो के लिए भी जरूर बने रहिए और हम जो कुछ हैं विद गॉड्स है। हैप्पी निवर्स को अपनी दुआओं में अपने टाइम में ऐसे याद रखिए क्योंकि हम आपके लिए एक ब्लेसिंग है और आप भी हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है थैंक यू सो मच स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ ब्लेस्ड फ्राइडे विद माई हैप्पी न्यूवर्स शालनी वन बाय टेक केयर